की राजधानी बगदाद में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग में 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका में आए बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग इसमें घायल हो गए। ये बवंडर दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार रात को आया जिसने लोगों के घरों को भी उजाड़ दिया। बवंडर के इस वीडियो को देखिए और बवंडर के खत्म हो जाने के बाद अब इससे हुए नुकसान को देखिए। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं। लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपने आशियाने को देख रहे हैं। आप बवंडर की इस तस्वीर को देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर काले धुएं की शक्ल में दिख रही है तस्वीर किसी बम या मिसाइल के धुएं की नहीं है बल्कि ये कुदरत का प्रकोप है। शुक्रवार को इन्हें देखिए। घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शुरू हुआ बवंडर लगातार बढ़ता ही जा रहा था और जो भी इसकी चपेट में आया या तो उसकी जान चली गई या तो वो अस्पताल पहुंच गया। दक्षिण अमेरिका के अकार्सस, ओकलहोमा और टेक्सास में आए इस बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया।